आज का प्रातः क्लास है 15 जून 1968। ये है याद की यात्रा, और यात्रा में तो बहुत लोग जाते हैं। परंतु उसे स्थूल यात्रा के यात्री तुम नहीं हो, वो तो बहुत दूर दूर जाते हैं, तुम तो बहुत नजदीक हो। जो जो जहां भी है बाप को याद करते हैं, और याद करते हैं तो ऑटोमेटिक नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, बहुत चमकते हैं, कोई दूर भी होते हैं, कोई नजदीक भी होते हैं। तुम भी आत्मा रूपी सितारे हो, देखने में आता है ये स्टार तो बहुत चमकता है। आत्मा रूपी स्टार की रोशनी आंखों से चमकती है ना, देखने में आ जाता है ये बाप के बहुत नजदीक है। कोई तो फिर चमकता ही नहीं है, तो तुम्हारा भी गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे, धरती के चैतन्य सितारे, और वो है आसमान के जड़ सितारे। तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य मिला है, और ये ज्ञान सूर्य बाप ज्ञानी तू आत्मा तुम बच्चों को ही याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं, क्योंकि ज्ञान की सर्विस करते हैं। खुद में ज्ञान होगा तो दूसरों को सुनावेंगे। तो ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बाप को याद करते हैं। जो बच्चे बाप को याद नहीं करते हैं उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि दिल से दिल को राहत होती है, ये याद से याद मिलती है, जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं, बाप कहते हैं क्यों नहीं। सर्विसेबल बच्चों को मैं क्यों नहीं याद करूंगा, इसी रीति बच्चों को याद क्यों नहीं करते हैं। जो याद की ताकत से बहुत पवित्र बनते हैं, और बाप से जिनका बहुत प्यार है तो कट से भी ऐसी करते हैं। तो हरेक अपन को पूछे
कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक ही याद में रहने से फिर जैसे कि पुरानी दुनिया भूल जाएगी, बाप को याद करते करते जाकर मिलते हैं। अभी मिलने का समय आया हुआ है, है? कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी है। अभी मिलने का समय आया हुआ है का मतलब क्या हुआ? कि बच्चे बाप से प्रैक्टिकल में अभी मिलन मनाने वाले हैं। ये ड्रामा का राज भी बाप ने बच्चों को समझाया है। बाप आते हैं तो आकर के अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। शूद्रों को रूहानी बच्चा नहीं कहेंगे, तो देह अभिमान में रहने वाले हैं। ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों में भी फिर छटनी होती है। जिनकी आत्मा की सुई छट रहित होती है उनके लिए समझा जाए कि बाप से मिलने का समय आया हुआ है। बाप उनको अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बने तो सिखलाते हैं। बाप तो एक ही है, उस बाप को सभी याद करते हैं, परंतु याद सभी को नंबर बार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वो तो जैसे कि सामने खड़े हैं, ऐसे उनको अनुभव में आवेगा जैसे बाप उनके सामने खड़ा है। बाप के सामने बच्चे खड़े हैं। कर्मा की अवस्था भी ऐसी ही होनी है। जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां चंचलता से परे होती जाएगी। बच्चे जानते हैं कर्मेंद्रियां बहुत चंचलता करती हैं, उसको कोई माया कहा जाता है। तो कर्मेंद्रियों से अर्थात कर्मेंद्रियों की चंचलता से कोई भी खराब काम नहीं होना चाहिए। जैसे नागे सन्यासी होते हैं, वो तो कर्मेंद्रियों को दवाइयों से निरस्त कर देते हैं। तुम्हारे ये ज्ञान के पॉइंट पे हैं दवाइयां। याद भी तुम्हारी दवाई है। क्योंकि यहाँ तो कर्मेंद्रियों को याद के बल से वशीभूत करना होता है। ये है याद की यात्रा। इस याद की यात्रा में कर्मेंद्रियों को कोई निरस्त करने की बात नहीं है। बच्चे
अच्छे बाप से पूछते हैं, बाबा ऐसा क्यों होता है? बाप कहते हैं, तुम जितना याद में रहेंगे उतना उतना कर्मेंद्रियां बस में होती जाएंगी। देहभान में रहेंगे तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बढ़ती जाएगी। बाप को तो देह ही नहीं है, पराई देह में प्रवेश करते हैं, तो बाप को तो कोई ही कर्म इंद्रियों की चंचलता की बात ही नहीं। जिस तन में प्रवेश करते हैं उनकी कर्म इंद्रियां भी वशीभूत होती जाती हैं। आखिरी ये कर्म इंद्रियां पूरी बस में हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है और ये कर्म इंद्रियों को वशीभूत करने का प्राचीन योग तो एक भगवान बाप ही सिखाते हैं और कोई सन्यासी उदासी महात्मा कर्म इंद्रियों को वशीभूत नहीं करना सिखा पाया। भगवान ही सिखलाते हैं अपने बच्चों को। ये तो जानते हो, सबसे कड़ी कर्मेंद्रिय है काम विकार की। उस पर योग से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। अभी सहज सहज कर्मेंद्रियां बस में नहीं हो जाएंगी, वो तो पिछाड़ी में हो जाएंगी। और पिछाड़ी का ही गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जब तुम्हारी परिपक्व अवस्था हो जाएगी, याद में तुम परिपक्व स्टेज को पावेंगे तो कोई भी कर्मेंद्री चंचलता नहीं करेगी। अभी इस संगम युग में चंचलता बंद होने से फिर इसकी जन्म के लिए ये इंद्रियां बिल्कुल धोखा नहीं देंगी। अंतमते तो ऐसी गति हो जाएगी, इसकी जन्म के लिए कर्मेंद्रियां बस में आ जाएंगी। सबसे मुख्य है काम, याद करते करते काम इंद्रिय वश में हो जाएगी। फिर उससे कोई भी उल्टा काम नहीं होगा। अभी कर्म इंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिल जाता है। वश नहीं कर पाते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। जिनके पाप रह जाएंगे उनको फिर धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। तुम्हारे पाप योग बल से कट जाएंगे। अभी तुम पवित्र होते जाते हो, ये नंबर वन सब्जेक्ट है। बाप को बुलाते भी हैं पति से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर के पावन बनाते हैं।
तो पावन बनेंगे कैसे? ऐसे भी नहीं कि सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं। ज्ञान तो इसलिए सुनाया जाता है कि पतित पावन बाप की पूरी पहचान हो जाए। सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाए। बुद्धि को एक ठिकाने मिल जाए। बच्चे जानते हैं कि बाप ही नाली खोले। जो कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये भी तो एक नॉलेज है। फिर याद में परिपक्व हो जावेंगे तो दैवी गुण अपने आप ही मर्ज हो जावेंगे। बच्चे जानते हैं अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो जरूर धारण करने हैं, अपनी जांच करते रहना है, नोट करने से अपने ऊपर सावधानी रहेगी। अपनी जांच करते रहेंगे तो फिर कोई भी भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद करेंगे तो देवान जरूर आवेगा। मैं तो सदा शिव हूं। सदैव आत्मिक की स्थिति में रहने वाला हूं तो सिर्फ मुझे ही याद करना है। वो बाप जब आते हैं तब ही डायरेक्शन आदि देते हैं। क्या ब्रह्मा के तन में आए उस समय डायरेक्शन नहीं मिले क्या? ब्रह्मा के द्वारा बाप ने कर्म करके दिखाए तो बच्चों को कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, परंतु डायरेक्शन बाप के ऊपर चलना है। बाप के डायरेक्शन पर चलेंगे तो कभी भी भूल नहीं होगी। अभी इन डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को, क्योंकि तुम भी पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा और बाप भी डायरेक्शन देते हैं इस शरीर द्वारा, तो जरूर बाप को डायरेक्शन देने के लिए इस शरीर में आना पड़े। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। बाप की पहचान के लिए ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। कैसे भी हैं देव देव महादेव, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा भी बैठा हुआ है। वो ब्रह्मा तपस्या करके यह नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बनते हैं। पावन विष्णु से पतित बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। फिर पतित ब्रह्मा को पावन बनने में 1 सेकंड लगता है। तो ये बात भी बुद्धि में बच्चों को याद रहे
कि हम ब्राह्मण ही ईश्वर देवता थे, फिर हमने ही 84 का चक्कर लगाया। जो 84 का पूरा चक्कर नहीं लगाते हैं वो देवता धर्म की पक्की आत्माएं नहीं है, वो कम जन्म लेने वाले ब्राह्मण तो देवता बनने वाली आत्माएं जरूर द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी और भारत को धोखा दे देंगी। पंद्रह छह 68 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चे तो फिर से देवता बनने आए हो, ब्राह्मण तो देवता बनते हो तो फिर देवताओं की जनाइसी हो जाती है, तो देवताओं की जनाइसी तुम्हारे द्वारा शुरू होती है। और जो नंबरवार कच्चे पक्के ब्राह्मण है उनके द्वारा डायनेस्टी नहीं शुरू होती, तो ऐसे पक्के ब्राह्मण को देवता जब द्वापर युग में भक्ति शुरू होती है तो बहुत प्रेम से अब बेविचारी याद में रहकर उनको याद करते हैं। अभी वही बाप तुमको ये पद दिलाने के लिए युक्ति बतलाते हैं और ये युक्ति बहुत सहज है, याद भी बहुत सहज है। सिर्फ युक्ति अपनाने के लिए जो बुद्धि रूपी घड़ा है या बुद्धि रूपी बर्तन है वो पवित्र चाहिए, औरों का संग नहीं चाहिए, औरों की याद भी नहीं चाहिए। व्यक्ति वृत्ति कृति वाचा हर तरीके से एक बाप का संग का रंग चाहिए, औरों का संग लेते रहेंगे तो बुद्ध रूपी पात्र पवित्र बनता रहेगा। कहते हैं चोर शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, तो बुद्ध रूपी पात्र को सोना अर्थात सच्चा बनाना है, झूठा बनाना माना बेविचारी होना। अभी तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे आप बेविचारी बनने का, एक बाप दूसरे न कोई ऐसी स्टेज में रहने का, उतना नए नए पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में मर्ज होते रहेंगे। खुद की बुद्धि में नए नए पॉइंट मर्ज होंगे तो कहेंगे अपनी घोट तो नशा चढ़ा, नशा चढ़ेगा दूसरों की सेवा करने से। ये बुद्धि को जैसे खुशी की खुराक मिल जाती है, ज्ञान अच्छा सुनाते रहेंगे, ऐसे समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश करके मुरली चलाए रहे। हमारी आत्मा तो बुद्धू है, अंतिम जन्म में तमो प्रधान है, बाप दादा ही चलाए रहे हैं। करण करावनहार कराए रहा है, तो बच्चों को बाबा बहुत मदद करते हैं। कभी दृष्टि की मदद देते हैं,
सेवा की फील्ड में, कभी ज्ञान की मदद देते हैं। अब जो बच्चे जितनी हिम्मत करें सेवा के फील्ड में रहने की, औरों का कल्याण तो करना ही है। परंतु वह कल्याण भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा का एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। अभी टाइम तो पास होता जाता है, इतने वर्ष, इतने मास, इतने घंटे, इतने सेकंड कैसे पास हो गए। शुरू से लेकर के टाइम पास ही होता जाता है, और एक सेकंड की शूटिंग न मिले दूसरे सेकंड से। ये जो सेकंड गया वो सेकंड फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। बीच में ऐसा सेकंड कभी मिलने वाला नहीं है। तो ये बात अच्छी रीति समझाना है कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर के मुकर्रक में आता है। ऐसे बाप की अब व्यभिचारी याद जरूर करना है, जिससे विकर्ण विनाश हो जाए। इसके अलावा पाप कर्मों को भस्म करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतना समय जो कुछ करते आए हो, 63 जन्म से, वो सभी थी भक्ति। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, भक्ति का फल भगवान देते हैं। परंतु भगवान आकर भक्ति का फल क्या देंगे, तो किसी को पता ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। क्या फल देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। बाप जब आवे फल देने के लिए, तब लेने वाले देने वाले दोनों इकट्ठे हो। बाप चला जाता है तो न लेने वाला न देने वाला रहा। ड्रामा का पाठ आगे चलता जाता है। सारी हयाती में अभी यह अंतिम जन्म है। ये सबकी अंतिम लाइफ है, उसमें हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, क्योंकि कोई दूसरा पार्ट बजाना है, तो नया जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत पाप होगा, बहुत हिसाब किताब होगा, तो कोई 10 जन्म भी ले सकते हैं। ब्रह्म जन्म में 10 जन्म नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, शूद्रों की दुनिया में। ब्राह्मण जन्म में बहुत बहुत करके 2-3 जन्म ही होते हैं, इससे जास्ती जन्म नहीं होते। तो जिनको जास्ती जन्म लेना होगा,
घड़ी घड़ी एक जन्म लेकर फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ा, फिर दूसरा लिया। काशी करवट में भी ये हाल होता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। परंतु काशी करवट खाने वालों में योग बल तो होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में काशी करवट खाना ये है अपने शरीर को घात करना। अभी तो ज्ञान की बातें बाप बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते रहे बाबा आप जब आवेंगे तो हम बाप पर बलिहारी जावेंगे। ये बलिहारी जाना ही पूरी श्रीमत पर चलना है, ये है ज्ञान मार्ग का काशी करवट। परंतु काशी करवट का अर्थ किसी को पता नहीं। भक्ति मार्ग में तो बलि चढ़ते हैं, बलि चढ़ना भी वो भक्ति है। ये दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं उसमें लेन देन किससे होती है? दान करें, पुण्य करें, तीर्थ करें, लेन देन तो पापात्मों के साथ होती है, क्योंकि रावण राजी ही तो है ना। अभी बाप समझाते हैं कि जो कुछ भी लेन देन आदि करना है बड़ी खबरदारी से करना। कहां कोई खराब काम में न लगाए देवी। नहीं तो सिर पर बोझ बहुत चढ़ जाएगा। तो दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना है। भक्ति मार्ग में गरीबों को अन्न अथवा कपड़े आदि दान में दिया जाता है। आजकल तो धर्मशाला आदि भी बनवा कर देते हैं, क्योंकि साहूकारों को तो बड़े बड़े महल होते हैं और गरीबों के लिए तो झोपड़ियां ही हैं। वो बेचारे गरीब तो गंदे नालों के आगे पड़े रहते हैं। जैसे कि वह गंदे नालों के किनारे रहने के लिए घिरे हुए हैं, तो उनको बात आदि भी नहीं आती। उस कचरे का फिर खाद बनता है, वो खाद फिर बिकता भी है। उस खाद से फिर बहुत खेती होती है। कचुग में तो ऐसे किचड़े आदि की खेती होती ही नहीं है। वहां तो मिट्टी ही बड़ी नहीं होगी। उस दुनिया का नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है पुखराज परी, शब्द परी। जैसे कि वैल्यूबल रत्न होते हैं ना, अभी ये आत्मा ही रत्न है।
कैसे कैसे रतन है, कोई कैसी सर्विस करते हैं, कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई तो फिर कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। अभी बाबा के रतन तो सभी है ना, परंतु उनमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो रतन फिर पूजे जाते हैं, और पूजा तो होती है देवी देवताओं की। भक्ति मार्ग में तो अनेकानेक प्रकार की पूजाएं होती हैं, वो भी ड्रामा में सभी नूद है। भक्ति मार्ग में होती है पूजा, और ज्ञान मार्ग में होती है या पूजा भी व्यभिचारी होती है और याद भी व्यभिचारी हो जाती है। पहले पहले तुम आप व्यभिचारी पूजा करते थे, जिन्होंने आप व्यभिचारी पूजा हो की होगी, जिनके वो संस्कार पक्के होंगे, वो अभी भी व्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। तो ये सभी ड्रामा में नूद है, ये नूद देख करके मजा आता है। हम सभी एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, इस ड्रामा की ये नॉलेज लेकर के तुम बहुत खुश होते रहते हो, जानते हो कि ड्रामा में भक्ति का भी पार्ट है, और इस संगम युग में भक्ति मार्ग की नूद करने वालों का भी पार्ट है। कोई ज्ञान मार्ग को जिंदाबाद करने वाले बच्चे हैं, कोई फिर भक्ति मार्ग ही चलाते रहते हैं। बाप ने तो तुम बच्चों को स्लोगन दिया, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। भक्तों को भक्ति में भी बड़ी खुशी होती है। कोई गुरु ने कहा माला फेरो तो बस उस खुशी में माला ही फेरते रहते हैं। परंतु माला के बारे में जानते कुछ भी नहीं। अभी शिव तो है निराकार, उनको भला फिर दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हो? निराकार दूध पानी आदि पीता है क्या? है? फिर किसको चढ़ाते हैं? और इसकी शूटिंग कैसे करते हैं? भक्ति मार्ग में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनकी शूटिंग कहाँ होती है? अभी संगम युग में हो रही है। तो जो दूध पानी चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, ये कहाँ की शूटिंग है? संगम युग की तो है, लेकिन कैसे है? किसके ऊपर? शिव तो बिंदी का नाम है। हाँ, जो साकार मुकर्रर रथ है वो रथ ही पहले अज्ञानी था, उस अज्ञानी रथ को बेसिक ज्ञान वालों ने दूध और पानी चढ़ा करके क्या किया? नहलाए धुलाए दिया, पूजन योग्य बनाए देते हैं।
तो बोला ये शूटिंग किसने की, करने वाले कौन है? अरे सूरज को पानी चढ़ाते हैं, उसे फूल सूरज की तो बात नहीं है, ज्ञान सूर्य की भी बात नहीं है। ज्ञान सूर्य को क्या पानी देंगे? वो ज्ञान जल देने वाला है या लेने वाला है? फिर ये शूटिंग कहाँ की है? है? अरे बेसिक में वो आत्मा भी जब ज्ञान में आती है तो उसके ऊपर ज्ञान जल चढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? बेसिक ब्राह्मणों के द्वारा चढ़ाया जाता है, या एडवांस वाले ब्राह्मण उसको ज्ञान देते हैं? बेसिक वाले ज्ञान देते हैं। तो जैसे कि भक्तों के द्वारा शूटिंग हो जाती है, कितनी बेसमझी है। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, अब वो मूर्तियां कोई खाती थोड़े ही है। भक्ति का पेशगीर कितना बड़ा हो गया, जैसे कि झाड़ बड़ा होता है, बीज से कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। बाप आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं, उस ज्ञान रूपी बीज का फिर कितना विस्तार हो जाता है। बकरी भी झाड़ है, ज्ञान बीज है। ये झाड़ कितना बड़ा है वैरायटी मनुष्यों का। अभी तुम्हारी बुद्धि में रचयिता और रचना का सारा नॉलेज है। रचयिता बाप और रचना को दुनिया में सिवाय तुम बच्चों के कोई भी नहीं जानते, और तुम बच्चों में भी जानने वालों में नंबर वार हैं। जो जितना जानते हैं, रचयिता बाप को जितना जानते हैं, उतना औरों को समझाते रहते हैं। ऐसे बच्चों को तो सारा दिन बुद्धि में सर्विस ही सर्विस रहती है, सर्विस के सिवाय और कोई बात नहीं। अभी आगे चल करके देखना कि कितने बच्चे अपनी हड्डियां भी सर्विस से स्वाहा करने वाले हैं। अभी तुम बच्चों ने रचयिता और रचना के आज मध्यंत को जाना है। जाना भी है और समझा भी है। 15 जून 1968 की वाणी का तीसरा पेज। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। तुमको कोई कहते हैं ये झाड़ आज सब तुम्हारी कल्पना है, अरे कल्पना की इसमें क्या बात है? ये तो तुम्हारी हिस्ट्री बताती है कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि 2500 वर्ष के अंदर ही आए हैं। तो जो भी दूसरे धर्म आते हैं, दूसरे धर्म खंड आते हैं, वो सात द्वैतवादी द्वापर युग में आते हैं। कल्पना कोई रिपीट थोड़ी ही होती है, ये तो नॉलेज है। नॉलेज को कल्पना कैसे कहेंगे? और कल्पना की बात होती तो अब से पहले भी कोई ये कल्पना कर सकता था? रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज पहले क्यों नहीं किसी ने कल्पना कर ली? ये तो पढ़ाई है,
कोई पढ़ करके क्या क्या बन जाते हैं, तो उसको कल्पना कैसे कहेंगे? ये नॉलेज है, ये नई बातों की नॉलेज है सारी दुनिया के लिए, क्योंकि ये भगवान बात है। नॉलेज भी नहीं है और ये ऊंच से ऊंच भगवान भी नया है, नहीं तो इस दुनिया में अपन को भगवान कहलाने वाले तो बहुत हुए हैं। ये भी कहते हैं कृष्ण भगवान वाद, और तुम कहते हो शिव भगवान वाद। तो हरेक की वाचा अपनी अपनी है, एक की वाचा दूसरे से मिल नहीं सकती, एक की कर्मणा दूसरे से मेल खा नहीं सकती, एक की दृष्टि दूसरे जैसी हो नहीं सकती, एक का वाइब्रेशन दूसरे से मिल नहीं सकता। हर एक आत्मा में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं, अलग अलग, एक न मिले दूसरे से। तो ये पढ़ाई है, उस स्कूलों में भी तो पढ़ाई होती है ना, उस पढ़ाई को कल्पना कहेंगे क्या? यहाँ बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल सुप्रीम टीचर, एक ही पढ़ाई पढ़ाने वाला है, उनको सारी शक्ति के आदि मध्यंत की नॉलेज है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऋषियों मुनियों से पूछो तुम रचयिता रचना को जानते हो, तो कहते थे हम नहीं जानते हैं। नेति नेति इति माने अंत, हम उनके आदि और अंत को नहीं जानते। अभी तुम तो समझते हो, क्यों ऋषियों मुनियों को नॉलेज मिले भी कहां से? जो भी नॉलेज उठाई है वो शास्त्रों से उठाई है, और शास्त्र विकारी मनुष्यों ने लिखे हैं, न देवताओं ने लिखे हैं न भगवान ने लिखे। वो तो देवी देवता सनातन धर्म की हिस्ट्री को ही नहीं जानते, जिन्होंने इस हिस्ट्री को जाना है उन्होंने ही ऊंच पद पाया है। फिर जब संगम युग आवे तभी बाप आकर नॉलेज पढ़ावे। तो जो नए नए आते हैं वो इन बातों में बहुत मुझ जाते हैं, इसलिए कोई भी नए को यहाँ आना अलाउ नहीं किया जाता। पहले 7 दिन का कोर्स लेवे, कोर्स लेने के बाद 7 दिन की भट्टी में पड़े, बाद में ये नॉलेज समझ में आवेगी। कहते हैं तुम लोग इतने थोड़े हो, इतने थोड़े लोगों को ही इतनी ये भगवान की नॉलेज मिलती है, तुम इतने थोड़े ही लायक हो, बाकी सारी दुनिया रंग है। क्या ये शास्त्र आदि सब झूठे हैं? ये बाइबल कुरान रामायण महाभारत ये सब झूठे हैं क्या?
बाप कहते हैं कि सब शास्त्रों का माई बाप गीता ही झूठी, तो सब शास्त्र बाल बच्चे भी झूठे हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि वर्षा इन शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा गीता से भी नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? वर्षा एक बाप से मिलता है। कहते हैं गीता माई बाप है, हमारा है ही प्रवृत्ति मान। माता है तो बाप भी चाहिए। रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है, रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। वेदों शास्त्रों आदि में रचयिता और रचना की नॉलेज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शास्त्र रचने वाले जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वालों को अपने पूर्वजन्मों की स्मृति नहीं रहती। ये सारी दुनिया के आदि मध्यंत को तो वो ही बता सकता है जो सदाकाल जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो। वो निरंजन निराकार है, उसको कोई पाप पुण्य का भेद नहीं लगता। तो उससे पूछना पड़े कि पहले ये तो बताओ कि वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कहते हैं वैदिक धर्म स्थापन हुआ। अरे धर्म का नाम धर्म पिता के आधार पर पड़ता है या पुस्तक के आधार पर पड़ता है? बाइबल से कोई बाइबल ही धर्म निकला क्या? कुरान से कोई कुरानी धर्म निकलता है क्या? ये तो बाप आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, कोई सनातन पुरुष के द्वारा। सनातन माने पुराने से पुराना। और मुख्य धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का एक मुख्य शास्त्र होता है। ये हिंदू धर्म के तो कितने शास्त्र बनाए दिए, दस दस शास्त्र थोड़े ही होते हैं। शासन करने वाला विधान तो एक होता है ना। भारत की गवर्नमेंट का संविधान बनाया गया, एक संविधान है या दो चार हैं? तो ये भी वंडरफुल बात है जो एक भी मनुष्य नहीं जानते। अभी बाप ही आकर के ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। जो पक्के पक्के ब्राह्मण बनते हैं तो पक्के देवता बनेंगे। बाप आकर कोई सूत्रों को नॉलेज नहीं देते हैं। सूत्रों को नॉलेज देने का सिलसिला कब तक चला है? है? 69 तक सूत्रों को ज्ञान दिया गया, उसके बाद ब्राह्मणों को ज्ञान दिया गया। अरे बाप कब आते हैं? तो 76 में जब आवेंगे तभी तो ब्राह्मणों को ज्ञान देंगे।
उससे पहले कौन सी मशीनरी चल रही थी? शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की मिशनरी थी। अभी हमारी डबल मिशनरी है, तुम शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हो और फिर ब्राह्मणों को देवता बनाने का भी ज्ञान बाप से दिलवाते हो। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। इस बात का किसी को पता नहीं है। ये साथ साथ सब रचना है, रचयिता तो एक ही बाप है। रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, वो तो बाप ही है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता गाई हुई, जरूर गीता रूपी संविधान से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन किया गया होगा। अभी ये कोई नहीं जानते हैं कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान कहा जाता है ईश्वर को। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, जो दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है। वो राजाएं लोग तो कितनी जोर जबरदस्ती करते हैं शासन चलाने के लिए। राजाइयां चलती है, मिलिट्री रखी जाती है, पुलिस रखी जाती है, कितना प्रबंध करते हैं कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तो बाप कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, बड़ी सहज सहज राजधानी की स्थापना होती है। इतना श्रेष्ठ शासन भगवान का होता है। उनको कहा जाता है भगवान भगवती का राज्य, ये कोई नहीं जानते। कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, जैसे अभी दुनिया के देशों में जो राज्य है वो किसका राज्य है? एक का राज्य है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है? सब देशों में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो जैसे कि सात शासन करता हो गए, जैसे भगवान को सर्वव्यापी बताई दिया, वैसे शासन करने वाले सर्वव्यापी हो गए। फिर कहते हैं कृष्ण में भी फलाना है, फलाने में भी फलाना है। ये सर्वव्यापी की नूद भी ड्रामा में है। अभी बाप सन्मुख आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं, सिखलाते हैं इस रथ द्वारा। क्योंकि राजधानी तो स्थापन होनी है ना, तो रथ तो जरूर चाहिए। क्योंकि आत्मा तो है निराकार, निराकार तो सिखला नहीं सके। निराकार आत्मा को साकार शरीर मिलता है। निराकार और साकार दोनों को मिलाने से जीव आत्मा कहा जाता है, जीवित आत्मा। नहीं तो परमधाम में शरीर नहीं होता है, तो आत्माएं जैसे कि जड़ बत पड़ी रहती है।
यहाँ तो दो हो जाते हैं, एक आत्मा एक शरीर। तो ये अर्थ भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तो जब आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो फिर बाप को कैसे जानेंगे। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली तुम आत्मा हो, देह में हरकत करने वाली इंद्रियों को चलाने वाली तुम आत्मा हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बाप ही आकर देते हैं। ओम शांति।